नमस्कार, मेरा नाम रविंदर डोगरा है और मैं करंटली गवर्नमेंट आर्या डिग्री कॉलेज नूरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिस्ट्री इन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। आज मैं जो आप बीएससी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं वो किस तरह से हैं और आपका जो सिलेबस है जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे वो किस तरह का रहेगा। तो जो बैचलर ऑफ साइंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बैचलर ऑफ साइंस में जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बात करते हैं, कोर कोर्सेज उनको बोलते हैं और उसके बाद डीएससीज भी बोलते हैं, कई बार उनको डीएससी बोलते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो जो इसका आपको जो डिटेल है वो आपके सिलेबस में आपको मिल जाएगी, जो मैंने आपके बच्चों के ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दिया है और थोड़ा यहाँ भी आपको दिखाऊँगा। तो मेन जो हमारे सब्जेक्ट बीएससी में जो रहते हैं वो एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, बॉटनी, जूलॉजी। और फर्स्ट ईयर में जो बच्चे जो हमारे दो सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ते हैं, इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट साइंस एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपका सिलेबस है। पहले हम केमिस्ट्री की बात वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो जो हमारा सिलेबस रहेगा, जैसे मैंने आपके ग्रुप में भी वो शेयर किया हुआ है, जैसे जो हमारा कोर्सेज हैं, एक है बैचलर ऑफ फिज़िकल साइंस, बैचलर ऑफ साइंस फिज़िकल साइंस, उसमें आपका कोई स्पेशल मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स उसमें आप पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा बैचलर ऑफ साइंस है विद केमिस्ट्री, ठीक है, उसमें एक आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आप एक्स्ट्रा वहाँ पर स्टडी करेंगे। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जब रहेगा तो उसमें आपको मिक्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिए जाएंगे, एक बार कुछ केमिस्ट्री के होंगे कुछ फिजिक्स के, वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज वहाँ पे आपके वहाँ पे उसमें डिफरेंस वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा कोर्सेज की बात करते हैं, दिस इज़ बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप केमिस्ट्री वहाँ पे चूज कर लेते हैं, आपका मेन सब्जेक्ट डीएससी वन अगर केमिस्ट्री हो जाता है तो उस केस में आप जो आपका जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करेंगे, ये आपका पूरा सिलेबस दिया है किस किस तरह से आपके आप कौन कौन से टाइप के कोर्सेज पढ़ेंगे, कुछ कोर कोर्सेज होंगे, कुछ इलेक्टिव होंगे, कुछ डीएससी आपके कोर्सेज होंगे, पर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू वहाँ आपको दूंगा ठीक है, और बाकी आप इसमें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो जब हम बैचलर ऑफ साइंस विद केमिस्ट्री करेंगे तो उसमें आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर में जो आपका पहला आपका कोर्स कोर कोर्स रहेगा वो फिजिक्स होगा, दूसरा कोर्स कोर कोर्स आपका केमिस्ट्री होगा, तीसरा मैथ होगा और एक AECC कोर्स जो होगा वो एनवायरनमेंट साइंस वहाँ पे आपका रहेगा, ये AECC कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपका नेक्स्ट कोर्स जो होगा वो फिजिक्स होगा, देन नेक्स्ट कोर्स आपका केमिस्ट्री होगा, नेक्स्ट मैथ पढ़ेंगे और एक AECC कोर्स आप इंग्लिश यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारे कॉलेज में इंग्लिश दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके कोर्स वहाँ पे रहेंगे और ये आपका फर्स्ट ईयर में आप कोर्सेज पढ़ेंगे और सेकंड ईयर में जो आप कोर्स पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और
फिर से फिजिक्स पढ़ेंगे आप, फिर केमिस्ट्री रहेगा, फिर मैथ रहेगा। और यहाँ पे चेंज क्या आएगा, आप जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है दोनों केमिस्ट्री के यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो आपके बाकी के कोर्स होंगे दे विल बी ऑफ वो 6-6 क्रेडिट के होंगे। स्किल कोर्स आपके 4 क्रेडिट के रहते हैं, यानी कि कम क्रेडिट के रहते हैं। उसी तरह AECC कोर्स भी आपके 4 क्रेडिट के वहाँ पे रहते हैं। फाइनली में क्या होगा कि आप एक फिजिक्स पढ़ेंगे, एक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एक वहाँ पे मैथ वहाँ पे स्टडी करेंगे, जो DSC कोर्स है उसमें से आपको यहाँ पे जो कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है वो ही आपने कोर्स लेना है। और उसी तरह जो आपका नेक्स्ट होगा उसी तरह आप इसका पढ़ेंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ। और इसके बाद क्या होगा कि दो जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो आपके केमिस्ट्री से रहेंगे, वो 4 क्रेडिट के होंगे। यानी कि जो आप एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ेंगे, आप 4 एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ेंगे वहाँ पे, 4-4 क्रेडिट के, वो केमिस्ट्री से आपके रहेंगे। तो इसमें BSc फिजिकल साइंस और BSc विद केमिस्ट्री में ज़्यादा फ़र्क वहाँ पे नहीं है। अगर आप पैटर्न वहाँ पे देखें, जैसे अगर हम BSc फिजिकल साइंस की बात करते हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके कोर्सेज वहाँ पे रहते हैं, तो अगर उनकी हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका सेम है, सेकेंड ईयर में जो आप एक स्किल पढ़ेंगे वो आपकी स्किल किसकी रहेगी, अब फिजिकल साइंस की बात करते हैं वो फिजिक्स की रहेगी, और या केमिस्ट्री की एक स्किल आप पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरह आप थर्ड ईयर में जो स्किल आप पढ़ेंगे वो एक मैथ की स्किल पढ़ेंगे, और एक आपको वहाँ पे चॉइस दी जाएगी जो कॉलेज में दिया जाएगा, वो आपको स्किल वहाँ पे फिजिकल साइंस में आप लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहता है। अब इसके बाद आपकी आती है जो कोर्स रहते हैं, आपके कोर्स जनरली होते हैं 4 क्रेडिट के या 4+2 क्रेडिट के जनरली कोर्स होते हैं, या 5+1 क्रेडिट के। जो कोर्स जैसे मैथमेटिक्स है उसमें अगर आपका थ्योरी रहता है तो दैट विल बी 5+1 क्रेडिट, यानी कि 5 थ्योरी की क्लासेस होंगी, एक ट्यूटोरियल होगा। और जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के जनरली कोर्स रहेंगे वो 4+2 क्रेडिट के होंगे, यानी कि 4 थ्योरी की क्लासेस होंगी, 2 प्रैक्टिकल की क्लासेस आपकी हफ्ते में वहाँ पे होंगी। और जो 4 क्रेडिट का कोर्स रहेगा उसमें 3 थ्योरी होगी और एक ट्यूटोरियल आपका रहेगा। अब इसमें जो आपकी मार्किंग स्कीम है उसकी हम बात करेंगे, जो मार्किंग स्कीम आपकी वहाँ पे किस तरह से रहती है, जो BSc की है इसमें हम बात करेंगे। तो मार्किंग स्कीम जो है उसमें आपका जो CCA आपकी तैयार होगी, आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। अब इसमें थ्योरी पार्ट रहेगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। तो थ्योरी में आपका जो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो आपका 30 नंबर की क्या होगी, 30 मार्क्स की देर विल बी CCA, ठीक है। तो उसमें आपका क्या होगा, असाइनमेंट आप देंगे या क्विज होगी, सेमिनार या मिड टर्म एग्जामिनेशन जो होगा दैट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, अटेंडेंस के 5 नंबर और लैब CCA के आपके 10 नंबर वहाँ पे रहेंगे। ईयरली एग्ज़ाम जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसके आपके 50 नंबर वहाँ पे रहते हैं, और प्रैक्टिकल जो है आपका इट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। अब प्रैक्टिकल में जो आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो स्कीम है, 2 प्रैक्टिकल्स की ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, रिजल्ट है, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। और इसके बाद जो वाइवा होगा प्रैक्टिकल में वो 5 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल नोटबुक भी आपकी 5 नंबर की होगी। अब इस केस में आपका जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है कि आपको मिनिमम 35% मार्क्स CCA में स्कोर करना ज़रूरी है, और 35% मार्क्स मिनिमम आप एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में स्कोर करना ज़रूरी है, यानी कि आपका 50 में से 18 नंबर मिनिमम पास करने, किसी कोर्स को पास करने के लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने चाहिए, और CCA में यानी कि 30 में से मिनिमम आपके 12 मार्क्स मिनिमम आपके वहाँ पे देर विल बी 11 मार्क्स वहाँ पे आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड
जो आपका इसमें है, और कंबाइंडली जो परसेंटेज होनी चाहिए दैट शुड बी 40%। 40% मार्क्स आपके वहाँ पे आने चाहिए, यानी कि 80 में से मिनिमम आपने कितना स्कोर करना है, मिनिमम दोनों का कंबाइंड 32 मार्क्स आपके वहाँ पे स्कोर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहता है। इसके बाद आपका जो सिलेबस के बाद आपके कोर्स रहेंगे, कोर्स में दिया रहता है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। जैसे ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में कैम 101 है, इसके मैक्सिमम जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के 50 नंबर है। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से जो 5 सेक्शन आएंगे, और 5 सेक्शन में से 4 सेक्शन ऐसे होंगे वहाँ आपको क्वेश्चन की चॉइस होगी, और एक सेक्शन आपके लिए कंपलसरी होगा, और हर एक सेक्शन 10 नंबर का वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हर एक बुक जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जैसे सेक्शन ए आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेक्शन बी जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग है, सेक्शन सी जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट वहाँ पे रहता है, ठीक है, और सेक्शन डी आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। नीचे आपकी कुछ बुक्स दी रहती हैं जिसको रेफरेंस बुक्स बोलते हैं, तो ये आपकी जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं, इनसे आप नोट्स बना सकते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे लैब पोर्शन रहता है, लैब में आपने कौन कौन से वहाँ पे प्रैक्टिकल करने हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर में जो दूसरा कोर्स आपको रहेगा कैम 102 रहेगा, तो उसकी डिटेल वहाँ पे दी होगी। तो इस तरह से आपका सिलेबस रहता है। अब मान लो आप मेजर सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे जो चूज़ करते हैं, अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, ये सिर्फ कुछ कॉलेजों में अभी गवर्नमेंट ने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जो बड़े कॉलेज हैं जिनको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर की पोस्ट आई है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो ये सिर्फ ऑप्शन जो है वो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो फिजिक्स और मैथ जिन्होंने +2 में साथ में पढ़ा हुआ है, तो वो अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो उसकी जगह कंप्यूटर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर आप जानते हैं कि नया सब्जेक्ट है और नया ऑप्शन है, लेकिन कंप्यूटर में जो हमारा डिग्री रहेगी उसका नाम आएगा बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल साइंस, और इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। और जो डिग्री की हम बात करते हैं, इस डिग्री की वैल्यू भी उसी BSc, ये डिग्री भी BSc की है, और जो BSc आप पहले मैंने डिस्कस किया वो डिग्री भी BSc है, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। तो इसके बाद इसमें आपका जो है इसके बारे में बताया है कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जो फर्स्ट ईयर में आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैकेनिक्स आप फिजिक्स का पढ़ेंगे, और कंप्यूटर में आपका अलग सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मैथ पढ़ेंगे, EVS पढ़नी है आपने, सेम जहाँ पे आपका केमिस्ट्री होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में उसकी जगह कंप्यूटर का सब्जेक्ट वहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, और जो आपका कोर कोर्स है वो केमिस्ट्री की जगह आपका कोर कोर्स कंप्यूटर का वहाँ पे हो जाएगा। अब स्किल की बात आएगी तो स्किल में आपने एक कोर्स फिजिक्स का करना है और एक आप कंप्यूटर का यहाँ पे स्किल का कोर्स करेंगे। जैसे कि हमारा BSc में ये रहता है कि सेकंड ईयर में हम दोनों के कोर्स जो हैं स्किल के वो केमिस्ट्री से करते हैं, BSc विद केमिस्ट्री, यहाँ आपका एक फिजिक्स का रहेगा, एक कंप्यूटर का रहेगा, और थर्ड ईयर में भी आपका सेम पैटर्न वहाँ पे रहता है, केमिस्ट्री की जगह आप कंप्यूटर पढ़ेंगे। चेंज कहाँ आएगा, चेंज सिर्फ आपका स्किल में आएगा, स्किल का एक सब्जेक्ट आप मैथ का पढ़ेंगे और एक आपका स्किल का सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स या कंप्यूटर किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सेम आपके उसी तरह नीचे सब्जेक्ट की डिटेल दी है, मार्किंग स्कीम जो है वो लगभग आपकी सेम आपकी रहती है, ठीक है, जो विदाउट प्रैक्टिकल है उसमें 70 नंबर का एनुअल एग्जामिनेशन होगा और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट वहाँ पे रहेगी। जो आपका
विद प्रैक्टिकल होगा, उसमें सेम जैसे केमिस्ट्री में रहता है सेम टाइप आपकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे लगभग होगी, तो उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वहाँ पे रहती है। अब इसके बाद हमारा आता है बीएससी विद फिजिक्स। तो बीएससी विद फिजिक्स में क्या है कि आपका सेम वहाँ रहता है, मैंने ग्रुप्स में आपका सिलेबस शेयर किया है। अब सेम फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, और एसीसी एक इंग्लिश रहेगा, एक आपका इन्वायरमेंट साइंस वहाँ पे रहेगा। सेकेंड ईयर में हम क्या करते हैं कि जो एक आपका फिजिक्स एसीसी रहेगा, एक केमिस्ट्री रहेगा, मैथ रहेगा, और यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जो आप स्किल के सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे वो दोनों आपके फिजिक्स से वहाँ पे होंगे। इन दिस कि या सॉरी दिस इज़ ये फिज आपका फिजिकल साइंस है, बीएससी विद फिजिक्स। तो इसमें दोनों केस में जो डिग्री होगी बोथ विल बी पास कोर्स, और दोनों डिग्रीज की वैल्यू आपकी बराबर वहाँ पे रहती है, ठीक है। तो स्पेशल एडवांटेज आपको वहाँ पे किसी लेवल पे एक्स्ट्रा मार्क्स डिग्री के बेस पे वहाँ पे नहीं मिलेंगे। जैसे इस केस में एक स्किल, दोनों स्किल जो होंगे दे विल बी ऑफ फिजिक्स इन सेकेंड ईयर, ठीक है, और उसी तरह फाइनल ईयर में भी आपके क्या होंगे, दोनों स्किल जो होंगे दे विल बी ऑफ फिजिक्स, दोनों क्या होंगे वो फिजिक्स के वहाँ पे होंगे, ठीक है। तो दोनों स्किल्स की हम बात करते हैं, वो फिजिक्स के आप पढ़ेंगे इन केस अगर आप फिजिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ करते हैं। एंड इसके बाद हम बात करेंगे बीएससी विद मैथमेटिक्स। तो बीएससी विद मैथमेटिक्स में भी आपका फिर सेम आपका क्राइटेरिया रहेगा, सेम तरह से पढ़ेंगे, आपका सेम टाइप का आपका विद प्रैक्टिकल विदाउट प्रैक्टिकल जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो वहाँ पे रहेगा, वो आप सिलेबस में देख सकते हैं कि किसके अटेंडेंस के कितने नंबर हैं। और इसके बाद जो आपका बीएससी विद मैथमेटिक्स है तो उसमें आपका सेम पैटर्न फर्स्ट ईयर में रहेगा। सेकंड ईयर में आपका क्या होगा कि स्किल जो है आप दोनों जो हैं वो मैथ के वहाँ पे पढ़ेंगे, और फाइनल ईयर में भी स्किल आप दोनों जो हैं वो दे विल बी ऑफ मैथमेटिक्स। तो दोनों स्किल आपके मैथमेटिक्स के वहाँ पे रहेंगे। नीचे आपकी कोर्स स्कीम है। अब इसी तरह बीएससी जो मेडिकल के केस में है, बॉटनी जूलॉजी, तो उनका भी सेम रहेगा। सिर्फ जो आपका डिफरेंस आता है जब बीएससी विद केमिस्ट्री, बीएससी विद फिजिक्स, बीएससी विद मैथमेटिक्स, बीएससी विद जूलॉजी, बीएससी विद बॉटनी आप करते हैं तो स्किल के सब्जेक्ट आपके अलग हो जाते हैं। और जब आप बॉटनी जूलॉजी बीएससी मेडिकल की करते हैं तो उसमें मेन सब्जेक्ट आपके एक बॉटनी रहेगा, एक जूलॉजी रहेगा और एक केमिस्ट्री रहेगा। तो जो मेडिकल के बच्चे हैं अगर वो बॉटनी पढ़ते हैं, बीएससी बॉटनी रखते हैं, तो उन्हें एक बॉटनी, उनको जूलॉजी और एक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जूलॉजी वालों को जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उनके लिए कंप्यूटर का कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, और ये तीनों सब्जेक्ट में उनको कहीं भी ऑप्शन नहीं है। इन केस ऑफ जो हमारे कंप्यूटर जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं, जो नॉन मेडिकल के बच्चे जिनको हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री के नहीं, जो नॉन मेडिकल के हैं जिन्होंने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इनमें से कुछ पढ़ा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर उनके लिए वहाँ पे एक ऑप्शन वहाँ पे रहता है, उनके लिए चॉइस रहती है। वो भी जो मेन मेन कॉलेज हैं वहाँ पे अभी तक कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है, जो बड़े कॉलेज हैं जिनको हम बोल सकते हैं, बाकी कॉलेजों में ये फैसिलिटी नहीं है। जैसे आसपास के आप कॉलेज देखेंगे, चौड़ी देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज चौड़ी, तो वहाँ केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ आपके लिए जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे रहती है, वो अगर पढ़ना